इनिशिएटिव मतलब कि आपके जो आप मैनेजर हो, ठीक है, आप अपने टीम मेंबर्स को इतना कंफर्ट लेवल पे रखो कि वो अपना अगर सजेशन देना चाहते हैं ना, तो वो बहुत इजीली अपना सजेशन दे पाए। ये ना सोचे ये मैनेजर क्या सोचेगा या मुझे डांटेगा अगर मैंने गलत सजेशन दे दिया या मेरा सजेशन इन्हें पसंद नहीं आया, है ना, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स को इतना कंफर्ट पोजीशन पे रखना है कि सबॉर्डिनेट्स अपने आप आगे आए बेटा सजेशन देने के लिए, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए कंपनी के फेवर में। तो चौक आउट द प्लान एंड इम्प्लीमेंट, प्लान वगैरह कोई भी बनाया जाए तो इम्प्लॉयज को कंसीडर करके बनाया जाए, उनके भी सजेशंस वगैरह लेकर, आइडियाज वगैरह लेकर प्लान को बनाया जाए एंड इम्प्लीमेंट किया जाए। कीप मोटिवेशन स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉय हाई, हर एक मैनेजर को ये फोकस करना चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के मोटिवेशन लेवल को हाई रखे, स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉय को हाई रखे। एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू गिव सजेशन, एनकरेज करता रहे एम्प्लॉयज को कि वो लोग अपने सजेशंस देते रहें। मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम करें, ये नहीं कि सब कोई हर कोई अपना अपना बस सोचे जा रहे हैं। अपना अपना सोचने को बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, नहीं मैं सबके साथ, अगर मैं मेंबर हूँ ऑर्गेनाइजेशन की तो मैं मिलकर काम करूँ सबके साथ, ये नहीं कि हर कोई अपना अपना सोच रहा है। तो ये बेटा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये FW Taylor ने दिया था, इसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ये यही बोल रहा है ना कि मैनेजर को कभी भी कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो अपने कंसल्ट करके लेना चाहिए अपने एम्प्लॉयज वगैरह को। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मैच करता है। तो मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज, बिलोंगिंगनेस मतलब अपनापन, इम्प्लॉयज में बेटा बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है एंड वो मोटिवेट होके फिर काम करते हैं।